हमको झगड़ने दो। मैं तो चाहती हूँ और दही बने और फिर लस्सी भी बने, मैं तो वेट कर रही हूँ दही बनने का। अंदर झगड़ा करके बाहर नहीं। कब तक आप मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बनके यहाँ तक तो पहुँचे हो, चलो ठीक है, बट जो दिल में वो बताओ ना। हमने तो बता दिया भैया, काश हम भी सिंपैथी कार्ड खेलते या हम भी अच्छा बनते, बट मैं तो नहीं बनी ना। अब दुनिया को पता चलेगा कि भाई क्या असलियत थी और क्या झूठ था, तो इसलिए कहते हैं रियल रियल होता है, उसको रियल बोलने से रियल नहीं होता। यहाँ पे आओ, मेरे भी दिल में लगता क्या करूँ, बट मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो चाहती हूँ और दही बने और फिर लस्सी भी बने, मैं तो वेट कर रही हूँ दही बनने का। मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, पता चल रही है ना। ठीक है जी, नहीं मेरी बात नहीं हुई। हाँ मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप रियल थे तो बाहर भी रियल रहो, दिखावा किस बात का। तो भैया मैं तो जैसी अंदर थी मैं बाहर वैसी हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि हस्बैंड वाइफ को, बहन भाई को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, दादा दादी को या मम्मी पापा को या किसी को भी एक बंद कमरे में 4-5 महीने के लिए रख दो और उतना लिमिटेड खाना दो या जो भी है, लड़ाई तो भैया होगी ही। आप 4-4.5 महीने तक अपनी लड़ाई को ना करने से बचाते हो और अंदर ही अंदर लेते हो, तो भैया बाहर तो फटोगे ही। तो आप देख, आपको जैसे कि पता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अभी वेट करो और दही बनने का। तो मैं भी वेट कर रही हूँ दही कब बनेगी और कब हम उस चीज़ का मज़ा लेंगे। तो ऑफकोर्स मुझे तो कोई गम नहीं है, मैं जैसी थी वैसी हूँ, बस कुछ लोगों ने मुखौटे पहन रखे थे, अब उनके मुखौटे उतर रहे हैं। बस आप देखो किस किस के मुखौटे उतरते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ तो यही तो मजा है, अरे यही तो मजा है, उनको झगड़ने दो, हम चलते रहेंगे, हमारी रुकावटे में कोई नहीं आएगा। तो यही तो मजा है, और जो ये जो मजा है ना, इसको आपको मजे लेने चाहिए। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें, बस और क्या चाहिए, बस देखो पिक्चर देखो अभी पूरी। थैंक यू सो मच।